नमस्कार, वीआईपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज के हिंदी आइडियो आर्टिकल में डे एलेट शिक्षा दिग्दर्शन द्वितीय सेमेस्टर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से अध्याय 11 शिक्षा के प्रभावी कारक परिवार समाज विद्यालय राज्य एवं जनसंचार साधन, तो इसी के बारे में चर्चाएं होंगी अध्याय 11 से। तो ऐसे ही आइडियो आर्टिकल सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके मतानुसार परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए किन उपायों का प्रयोग में लाना चाहिए? परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय। भारतीय परिवारों को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं, जैसे भारतीय शारीरिक विकास की व्यवस्था, हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता इत्यादि। तो अब बात कर लेते हैं परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय। शारीरिक विकास की व्यवस्था करना चाहिए। तो शारीरिक विकास कैसे हो सकता है? घर पर ही मनुष्य के शरीर विकास की नींव पड़ती है। परिवार को चाहिए कि वह बच्चे की शरीर विकास की समुचित व्यवस्था करें। इसके लिए अग्रलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे हवादार घर। बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हवादार घर का होना बहुत आवश्यक है। घर के प्रत्येक कमरे में खिड़कियां तथा रोशनदान होने चाहिए। उसमें ताजगी हवा प्रकाश तथा धूप आने की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। अगला क्या है? भोजन। बच्चे को नियमित समय पर संतुलित भोजन एवं पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। अगला है वस्त्र। बालक के वस्त्र स्वच्छ तथा आरामदायक होने चाहिए। अगला है व्यायाम और आराम। बालकों को व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जहाँ तक कि हो सके माता पिता को चाहिए कि वे बालकों के लिए उचित व्यायाम अथवा खेल कूद एवं आराम की व्यवस्था करें। व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता शरीर विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अतः माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों में प्रायः दांत साफ करें, स्नान कराएं इत्यादि वगैरह आदत डलवाएं। अब बात करते हैं बौद्धिक विकास की व्यवस्था। परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के उपाय में बौद्धिक विकास की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र पहेलियाँ, शिक्षा प्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन एकाग्रता तथा स्मरण शक्ति के विकास के लिए पहेलियाँ तथा कहानियाँ सुनाएं। अगला है चरित्र विकास। चरित्र का निर्माण, चारित्रिक निर्माण। वास्तव में परिवार ही चरित्र की बुनियाद रखता है। बच्चे के लिए चरित्र का विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। परिवार को बच्चे में सहानुभूति, सहनशीलता, सदाचार, सच्चाई, ईमानदारी, परिश्रम, परोपकार, कर्तव्य प्रणायता और आत्मत्याग आदि गुणों को विकसित करना चाहिए। घर वालों को चाहिए कि वह बच्चों के समान सदा आदर्श प्रस्तुत करें, चित्र सचित्र का निर्माण हो सके। अब बात करते हैं सामाजिक विकास। घर वालों को प्रारंभ से ही बालक को सामाजिक रीति रिवाज, उठने बैठने और अभिवादन करने के ढंग को सिखाया जाना चाहिए। अगला है भावात्मक विकास। माता पिता को परिवार में मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। उन्हें बच्चों को उचित स्नेह प्रदान करना चाहिए ताकि उनमें भावात्मक संरचना की भावना का विकास हो सके। अगला है सांस्कृतिक विकास। परिवार को बालक के मन में स्वच्छ अच्छी सभ्यता और संस्कृति के बीज बोने चाहिए। इसके लिए अच्छे लोग के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। अगला है धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास। परिवार को बच्चों के धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए धार्मिक नेताओं के जीवनियों तथा धार्मिक मान्यताओं से परिचित करना चाहिए। बच्चों को दैनिक प्रार्थनाओं, धार्मिक स्थानों को पूजा तथा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों में सत्य, शिवम एवं सुंदरम की भावना को विकसित करना चाहिए। सौंदर्यता का विकास। प्लेटो का कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा तथा निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत की जाए।
इसके लिए घर का वातावरण सुंदर बनाने की आवश्यकता है। यदि बालक उसके पहनने के कपड़े रंग डिजाइन पसंद कराई जाए तो उसके कमरे की सजावट, घर की स्वच्छता, बाग अथवा निरीक्षण कराया जाए तो इन कार्यों द्वारा बालकों में सौंदर्यात्मक का विकास किया जा सकता है। नागरिकता का विकास। घर के सदस्यों को चाहिए कि वे आरंभ से ही बच्चों को नागरिकों के कर्तव्य एवं अधिकार बतलाएं, जिससे उनका व्यवहारिक ज्ञान बढ़े। सर्वांगीण विकास। परिवार को बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए ऐसे मनोविज्ञान वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें रहते हुए यह खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ने लिखने तथा सांस्कृतिक कार्यों में भी भाग लेते हुए पूर्ण रूप से विकसित हो सके। माता पिता को शिक्षित करना। घर को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए आवश्यक है कि भारतीय परिवारों से निरक्षरता को दूर किया जाए। अभिभावकों को भी एक निश्चित स्तर तक शिक्षा दी जाए। पारिवारिक सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए। थॉम्स एवं लैंग के अनुसार इस प्रशिक्षण का आधार निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। पैतृकता के नियमों का पालन किया जाए। पैतृक दोषों को दूर करने के उपाय किए जाए। ससंति निग्रह के साधन अपनाए जाए। प्रेम और प्रजनन का महत्व। बालक के विकास, स्वास्थ्य, रुचियों एवं दृष्टिकोण आदि की शिक्षा। घरेलू मामलों की देखभाल। पारिवारिक झगड़ों के कारण सहयोगी लोकतांत्रिक आदर्श। यह जमीन से जुड़े शिक्षा विचार गिज्जू भाई के निम्न शब्द भी विचारणीय हैं। हमारे घरों में ऐसी खूटियां कहाँ हैं कि जिन तक बालक को हाथ पहुंच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंची पर टंगी होती है, उनकी तरफ हमारा अपना ध्यान ही नहीं बहुत कम जाता है। ऐसे स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है। इस महान विचारों के इस तथ्य पर बल दिया जाए कि घर को बाल उपयोगी बनाया जाए। ऐसे तभी संभव हो सकेगा जब माता पिता बालक रूपी अतिथि का स्वागत करने के लिए मन से तैयार रहें और अपने निजत्व को छोड़कर स्वयं बालक बन जाए। अब आते हैं समाज का महत्व। व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव से आने लगता है। प्रारंभ में तो माता पिता एवं परिवार के सदस्य, पश्चात पास पड़ोस, इष्ट मित्र, अन्य समूहों, संस्थाओं आदि से वह शिक्षित होता रहता है। ये सभी समाज के अंग हैं जिनका बालक की शिक्षा पर अनौपचारिक प्रभाव रहता है। इन प्रभावों के फलस्वरूप उनके विचारों, मूल्यों, अभिवृत्तियों आदि का विकास इस ढंग से होता है जो सामाजिक दृष्टि से अनुमोदित होते हैं। इस रूप में एक और तो समाज के प्रभाव के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण होता है, साथ ही व्यक्ति समाज के प्रभाव के विकसित अपनी योग्यता व क्षमताओं के कारण सामाजिक न्यूनताओं आदि को दूर करने का प्रयास भी करता है। अब बात करते हैं विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार बनाया जा सकता है। विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। घर या परिवार से सहयोग। शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए स्कूल को घर से सहयोग प्राप्त करना चाहिए। यह सहयोग जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक सफलता से स्कूल अपना कर्तव्य निभा सकेगा। माता पिता को अपने बच्चों की आदतों, रुचियों, गुणों और अवगुणों को शिक्षकों को बताकर सहयोग देना चाहिए। इन बातों को जानकर शिक्षक अच्छी प्रकार से छात्रों का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी ओर माता पिता भी अपने बच्चों के बारे में शिक्षकों के विचारों से लाभ उठा सकते हैं। शिक्षकों और अभिभावकों में निकट संपर्क स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है। अभिभावक दिवस मनाना, अभिभावक अध्यापक संघ का निर्माण करना, प्रबंध कमेटियों में माता पिता में प्रतिनिधित्व देना, अध्यापकों का विद्यार्थी के घरों में जाना, अभिभावकों को स्कूल में उत्सव तथा कार्यक्रमों में निमंत्रित करना,
शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करना, अभिभावकों के लिए विशिष्ट मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन करना, सामाजिक जीवन से संपर्क, विद्यालय समाज का छोटा सा रूप होना चाहिए, विद्यालय का सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इसके लिए निम्न साधन अपनाए जा सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र, विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। इससे हमारे देश की निरक्षरता की समस्या कुछ सीमा तक हल हो सकती है। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ व्यक्तियों स्कूल के संपर्क में रहने के कारण स्कूल की प्रगति में रुचि लेने लगेंगे। समाज सेवा संघों का निर्माण, सायदेन के स्कूलों में समाज सेवा संघों के निर्माण पर बहुत जोर दिया है। ये संघ अकाल पड़ने पर, बाढ़ आने पर, छूत की बीमारियों फैलने पर, संकट आने पर तथा उत्सवों और जुलूसों में लोगों की सहायता करें। संघ के कार्यों को स्काउटिंग के कार्यों के साथ जोड़ेंगे। अगला है सामाजिक सर्वेक्षण क्लबों की संगठन। सायदेन का कहना है कि स्कूलों को सामाजिक सर्वेक्षण करने के लिए क्लबों का निर्माण करना चाहिए। इस क्लब के सदस्यों स्वास्थ्य और सफाई की व्यवस्था, नालियों का प्रबंध, पानी का प्रबंध, सड़कों की दशा आदि समस्याओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करें। अब अगला है समाज सेवा में भाग लेना। विद्यालय को विद्यार्थियों के समाज सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों को साथ लेकर अध्यापक समाज में जाए और अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षा देकर उन्हें पढ़ना लिखना सिखाकर, सफाई और श्रमदान करके, बीमारियों की सेवा करके समाज सेवा के भाव उत्पन्न करें। इससे समाज का कल्याण होगा। यह कार्य राष्ट्र सेवा योजना NSS के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। सामाजिक विषयों का शिक्षण। आज का बालक कल का नागरिक होगा। वह आदर्श नागरिक तभी होगा यदि उसको समाज का ज्ञान होगा। अतः विद्यालय में नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल आदि विषयों का ज्ञान कराया जाए। इन विषयों का ज्ञान केवल सूचना देकर न किया जाए, परंतु समस्या का समाधान भी कराया जाए। अगला है समाज के सदस्यों को निमंत्रण। विद्यालय को चाहिए कि वह समाज के ऐसे सदस्यों को समय समय पर नियंत्रण दे जो विभिन्न उपयोगी कार्यों में लगे हुए। ऐसे सदस्यों के स्कूल में भाषण करवाए जाएं और वे अपने कार्यक्रम के बारे में बताएं। ऐसा करने से विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ेगा। राज्य का संरक्षण। नेपोलियन ने ठीक ही कहा था, शिक्षा सरकार का प्रथम कार्य होना चाहिए। शिक्षा सरकार का ही कार्य है, अतः शिक्षा का प्रबंध करना सरकार का ही दायित्व है। सरकार अग्रलिखित उपायों का प्रयोग कर सकती है। अच्छे विद्यालयों की स्थापना। सरकार को स्थानीय व्यवस्था के अनुकूल विभिन्न प्रकार व अच्छे विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। कुशलता एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति। सरकार को अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित प्रबंधन करना चाहिए। अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है। शिक्षा ईंटों और चूनों में नहीं बल्कि अध्यापक के सूक्ष्म प्रभाव में निहित है। अतः सरकार को कुशल एवं प्रशिक्षण अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए। उदार आर्थिक सहायता प्रदान करना। सरकार को शिक्षा के लिए उदार आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। सरकार को प्राइमरी एवं सेकेंडरी स्कूलों में, विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण कॉलेजों को सुसज्जित करने के लिए उदार रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला है विद्यालयों को नियंत्रण और निरीक्षण। सरकार को विद्यालयों का भली भांति नियंत्रण और निरीक्षण करना चाहिए। योग्यता इंस्पेक्टरों की संख्या को बढ़ाकर स्कूलों को उचित निर्देशन दिया जाए। अगला है ट्रेनिंग कॉलेज का पुनर्गठन। आज देश के अधिकांश ट्रेनिंग कॉलेज अंग्रेजों के समय की लकीर को पीट रहे हैं। इनमें से कितने ही छात्रों को डिग्री दिलाने की दुकानें बन गए हैं। इनकी ओर ध्यान देने का सरकार को स्वतंत्रता के इस लंबे समय अभी भी अवकाश ही नहीं मिला है। अब सायदेन इस पे क्या कहते हैं। सायदेन का कथन है कि अपने सर्वोत्तम रूप से ये विद्यालय ऐसे स्थान है जहाँ पढ़ना लिखना सीखना आदि में या इतिहास भूगोल और विज्ञान आदि में औपचारिक शिक्षा दी जाती है। अपने निम्नतम रूप में ये ऐसे स्थान हैं जहाँ बच्चों के उल्लास और कार्य के
प्रति प्रेम का गला घोटा जाता है। अगला प्रश्न है जो बीटीसी 2016 में पूछा गया है, राज से क्या अभिप्राय है। आईएल कैंडिल के अनुसार राज की परिभाषा ऐसे संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा जिसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अगला है, जनसंचार माध्यम की बढ़ती भूमिका एवं उसके प्रभाव को अपने शब्द में लिखिए। यह बीटीसी 2016 पूछा गया है, जनसंचार माध्यमों की शिक्षा में निम्नलिखित लाभ है, राष्ट्रीय एकीकरण, समझ का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना, सामाजिक कार्यों में लगा भाग लेने के लिए प्रवृत्ति का विकास करना, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, कौशल तथा भावों का विकास करना, वायु जल तथा ध्वनि प्रदूषण की हानियों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, स्वच्छ वातावरण संबंधी रूप से उत्पन्न करना, सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग की प्रवृत्ति का निर्माण करना, विधि नए नए विचारों हेतु ग्रहणशीलता का विकसित करना, जीवन जीव जंतुओं तथा वन्य जीवन में रुचि उत्पन्न करना, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में दक्षता उत्पन्न करना, वैज्ञानिक रुचि तथा जिज्ञासा का विकास करना, राष्ट्रीय विकास की योजनाओं तथा उपलब्धियों की जानकारी देना, सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने की प्रवृत्ति पैदा करना, व्यवसाय संबंधी कौशल के बारे में जानकारी देना, विश्लेषण शक्ति का निर्माण करना, समाचार पत्रों में छपे महत्वपूर्ण लेखों तथा समाचार में विभिन्न विषयों के प्रकरण में गहनता लाना, देश में साक्षरता के प्रसार के साथ ही समाचार पत्रों की मांग तेजी से वृद्धि हुई है, शिक्षित लोगों के रोज प्रातः समाचार पढ़ पाना, समाचार पत्र पढ़ना उनकी दिनचर्या का एक अनिवार्य अंग बन गया है, स्वतंत्रता संग्राम के समय समाचार पत्रों में राष्ट्रीयता चेतना की विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन दिनों अनेक स्वतंत्र सेनानियों ने खुद के समाचार पत्रों का मुद्रण और वितरण शुरू किया तथा अपने समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को अंग्रेजी शासन के दौरान देश की दुरावस्था को से अवगत कराकर उनमें साहस और ओज भरने और स्वतंत्रता संग्राम की सफलता बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करने का प्रयास किया। अगला है जो बीटीसी 2016 में पूछा गया है, दो बार जन संचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका बताइए। अगला प्रश्न, जन संचार के चार यंत्रीकृत साधनों के नाम लिखिए या मल्टीमीडिया क्या है। यह तीनों प्रश्न एक ही है। समाज का बहुआयामी प्रभाव आज के समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचना के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग को सूचक है एवं इनमें डिजिटल वीडियो ग्राफिक्स आइडियो 3D एनिमेशन इंटरनेट कनेक्ट इत्यादि वगैरह विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रभाग के माध्यमों यानी कि श्रव्य दृश्य पाठ तथा चित्रक आदि का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। शिक्षार्थियों को तेजी से पृष्ठ पोषक प्रदान करने में तथा उनके एक रूपता को दूर करने में तथा ठहराव को कम करने में विभिन्न माध्यमों का संयोजन अत्यंत प्रभावी पाया गया है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में संप्रेषण का सूचना तकनीकी में आई क्रांति ही संभवतः एकमात्र ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जिसने दुरुस्त शिक्षा प्रणाली के प्रचार प्रसार को सार्वधिक बढ़ावा दिया। सूचना संप्रेषण तकनीकी ने ही शैक्षिक नियोजनकर्ताओं को दूर तथा निर्जनता दुर्गमता की सीमाओं को तोड़कर शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। पहले शिक्षा प्रक्रिया अध्यापक तथा छात्रों के बीच होने वाली प्रत्यक्ष व आमने सामने की अंतःक्रिया पर आधारित थी, जबकि अब यह सूचना संप्रेषण के अनेकानेक विधाओं का प्रयोग करने में समर्थ है। आज कक्षागति शिक्षण के विकल्प के रूप में शिक्षार्थियों के अनेक वैकल्पिक अधिगम स्रोत उपलब्ध हैं। दुरुस्त शिक्षा प्रणाली में प्रयुक्त की जाने वाली कुछ प्रमुख संप्रेषण सूचना प्रविधियां निम्नलिखित है। मुद्रित सामग्री, रेडियो प्रसारण,
दूरदर्शन प्रसारण, श्रव्य कैसेट, दृश्य कैसेट, दृश्य श्रव्य कैसेट यानी ऑडियो कैसेट जिसमें आवाज़ होते हैं, दृश्य कैसेट यानी वीडियो, कंप्यूटर संजाल यानी कंप्यूटर नेटवर्क, दूरस्थ कॉन्फ्रेंस यानी टेल कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाक यानी ईमेल, फैक्स। निष्कर्ष, अब निष्कर्ष क्या निकलता है इसका, अतः हम कह सकते हैं कि संचार प्रक्रिया के अंतर्गत लाखों करोड़ों की अज्ञानता, गरीबी एवं बीमारियों से ऊपर उठाने तथा आर्थिक और सामाजिक ढांचे से सुदृढ़ बनाने की सामर्थ्य निहित है। मानव संसाधनों के विकास, आर्थिक विकास, शिक्षा के व्यवसायीकरण, शिक्षा के आधुनिकीकरण, सामुदायिक विकास एवं प्रौण एक अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में जन संचार माध्यम अत्यंत उपयोगी सिद्ध होते हैं। शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन, संचार साधनों की उन्नति, शिक्षा सामग्री के प्रसारण, अध्यापक वर्ग के मार्गदर्शन, विद्यालयों की अनुक्रिया तथा उनके मूल्यांकन कार्यों में कुशलता बढ़ाने की दिशा में जन संचार उपयोगी है। संप्रेषण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी मुख्य दर्शक तथा निष्क्रिय श्रोता ही न बने रहें, उन्हें मौखिक लिखित सभी प्रकार से अपने विचारों एवं भावों को प्रकाशन का पूरा पूरा अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अब आते हैं दूरदर्शन के शैक्षिक लाभ। दूरदर्शन पे जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वे विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम छात्रों को विषय की विस्तृत जानकारी प्रदान करने में सहायता करते हैं। दूरदर्शन की सहायता से एक ही समय में अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। दूरदर्शन कार्यक्रम दूरदराज क्षेत्रों में भी प्रसारित किए जाते हैं, इस प्रकार इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला है दूरदर्शन एक ही समय में लाखों विद्यार्थियों को शिक्षा देता है, इस कारण यह एक मितव्ययी साधन है। तो ऐसे ही आप जो है सोच सोच के कुछ भी लिख सकते हैं, 12 13 14 पॉइंट जितने ही लिखेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो ऐसे ही है, छात्र विद्यालय में बैठे बैठे संचार के विभिन्न स्थलों की सैर कर लेते हैं। दूरदर्शन स्कूलों की समुदायों को कुछ गतिविधियों का केंद्र बनाने में भी सहायता कर सकता है। तो ऐसे ही आप पॉइंट बना के अपने मन से लिख सकते हैं, हमारे देश में शिक्षा की प्रगति में जन संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार भारती के प्रसारण घटक रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा कृषि शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, योग शिक्षा, आविष्कार, जियोग्राफी इत्यादि चैनलों द्वारा शिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। अब आते हैं अति लघु त्रिय प्रश्न, परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। तो सबसे पहले इसी के बारे में चर्चा हुआ था, घर पर ही मनुष्य के शरीर विकास की नींव पड़ती है, इसके लिए निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। अगला प्रश्न है, परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। परिवार को बच्चे के शैक्षिक विकास के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौना, पहेली बॉक्स, चित्र पहेलियाँ, शिक्षाप्रद कहानियों की प्रस्तुत आदि व्यवस्था करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, घर को बाल उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है। इस संबंध में गिज्जू भाई का कथन है, हमारे घरों में ऐसी खूंटियाँ कहाँ हैं जिन तक बालक के हाथ पहुंच सके। हमारे घरों में टंगी जो तस्वीर होती है बढ़िया बढ़िया, वो इतने ऊपर होते हैं कि बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं पहुंच पाता। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज को प्रभावित होता है, समाज से प्रभावित होता है, जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। अगला प्रश्न है, जन संचार माध्यमों के शिक्षा में 3 प्रमुख लाभ बताइए। जन संचार माध्यमों के प्रमुख लाभ, राष्ट्रीय एकीकरण समझ का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रवृत्ति का विकास करना, यह सब आते हैं जनसंचार माध्यमों के प्रमुख लाभ।
लास्ट प्रश्न है, दूरदर्शन के दो प्रमुख शैक्षिक लाभ लिखिए। दूरदर्शन पर जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं वह विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसीलिए यह कार्यक्रम छात्रों को विषय की विस्तृत जानकारी प्रदान करने की सहायता करते हैं। दूरदर्शन की सहायता से एक ही समय में अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो यह चैप्टर समाप्त होता है। ऐसे ही आइडिया आर्टिकल सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।